लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं हमें कितना घंटे सोना चाहिए। इसका जवाब आसान नहीं है क्योंकि हर एक का बॉडी अलग है, लेकिन एक एवरेज एडल्ट को 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। लेकिन 5 से 10% लोग ऐसे होते हैं जो 9 से 10 घंटा सोते हैं, जिसको हम लॉन्ग स्लीपर्स कहते हैं, और 5% लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए 6 घंटे भी काफी है। लेकिन 85% ऑफ द एडल्ट्स को 7 से 8 घंटा सोना चाहिए। आपको पता कैसे चले कि आपने एडेक्वेट नींद की है? उसका पता इस तरह से चलता है कि जब आप उठते हो मॉर्निंग में, आप फ्रेश होते हो और बिना अलार्म के आप उठ जाते हो, और पूरा दिन आप फ्रेश रहते हो, और पूरे दिन में कभी उबासी नहीं आती है, और आपको थकान महसूस नहीं होती है, यानी जो आप नींद कर रहे हो वो सही है। नेशनल स्लीप फाउंडेशन के हिसाब से, उम्र के हिसाब से कितना घंटे नींद करनी चाहिए वो इस तरह से है। लोग कोरोना की एपिडेमिक से कितना डर गए थे, और यहाँ कम नींद सोने की एपिडेमिक बरसों से चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं किसी स्कूल के बच्चों को पूछता हूँ तो वो कहता है 6 घंटे सोता हूँ, कॉलेज वाले को पूछता हूँ तो वो भी 6 घंटे सोता है, बिजनेसमैन भी कई लोग 6 साढ़े 6 घंटे ही सोते हैं। उनसे क्या होता है, उनका फोकस कम रहता है, उनको याद कम रहता है, उनका कॉन्सेंट्रेशन कम, उनकी मेमोरी कम, उनको जो डिसीजन देने होते हैं उनका भी वो जो पावर होता है उनमें वो कम होता है, वो सारा दिन इरिटेटेड रहते रहे। इतने में तो ऐसा आता है कि जैसे वो पूरा दिन पढ़ाई करते हैं या काम करते हैं, लेकिन वो वाली बात नहीं होती है उनमें। लोग कहते हैं हर आदमी की सक्सेस का राज उसकी बीवी होती है या कोई औरत होती है। मैं कहता हूँ हर आदमी की सक्सेस का राज 5 वर्ड्स है, SLEET, स्लीप। तो आप आज से सही मायने में नींद पूरी करेंगे और जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से सक्सेस पाने की पूरी कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट।